ने हंसाया रुलाया मुझको किस्मत ने ठोकरे खिलाई मुझको दुनिया ने हंसाया रुलाया मुझको किस्मत ने ठोकरे खिलाई मुझको जब पत्थर से सितारा बन के चमका मैं तो हजारों सितारों ने गले से लगाया मुझको दोस्तों हजारों सितारों की भीड़ में आपने इस पत्थर को इस काबिल समझा कि टेडेक्स मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के इतने बड़े मंच से कुछ कह सकूं फॉर दिस am आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू एंड दोस्तों आज का सब्जेक्ट मुझे बहुत ही खूबसूरत दिया गया है जो है जस्टिस फॉर मिलियंस यानी कि हम जैसे दिव्यांगों को कहाँ दिक्कतें प्रॉब्लम समस्याएं आई हमारा समाज और सोसाइटी उसके लिए क्या क्या करती है और उन्हें क्या क्या करना चाहिए इस विषय पर थोड़े से थॉट शेयर करूं दोस्तों आज मैं थोड़ा सा नर्वस 20 साल के कॉमेडी कैरियर में आज पहली बार परफॉर्मेंस को लेकर इतनी चिंता सता रही आज मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे बुलेट को मुझे बाई के रूम में चलाना है। सबसे पहले मैं आप सबको अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं पैदा बहुत बचपन में हुआ 22 अक्टूबर 1993 को जब पूरी दुनिया दशहरे का त्यौहार मना रही थी आप सभी जानते हैं मैं हूं कॉमेडियन जय छारा 22 अक्टूबर 1993 को जब पूरी दुनिया दशहरे का त्यौहार मना रही थी तब मेरे घर में अमावस्या की रात थी मेरी मदर घीना छनियारा को ट्विंस बच्चे पैदा हुए दोस्तों ये दुनिया भी कितनी जालिम है यहाँ पैदा होते ही सबको रोना पड़ता है पर मैं वहाँ भी मैंने कुछ अलग किया मैं रोया नहीं जिसकी वजह से खून और ऑक्सीजन मेरे दिमाग तक नहीं पहुँच सका अनफॉर्चुनेटली मेरा दूसरा भाई इस संघर्ष को नहीं झेल सका और दूसरे दिन ही हमें अलविदा कहकर चला गया मैं ग्लास बॉक्स में था वहाँ भी संघर्ष कर रहा था मेरी हालत देखकर कर डॉक्टरों ने कहा था कि ये बच्चा छ महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा वो छः के छः चल बसे मैं आप सबके सामने खड़ा मैंने जिंदगी के संघर्ष के सामने विजय प्राप्त की इसलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा जय और थैंक यू सो मच और चार लाइन मैंने तब अपने आप को कही थी वो आज आप सबको कहना चाहता हूं कि रास्ता ऐसा तय हो गया है कि पर्वत को भी मुझसे भय हो गया रास्ता ऐसा तय हो गया है कि पर्वत को भी मुझसे भैग हो गया है मुश्किलों ने बहुत राह रोकी पर मंजिल का सफर तय हो गया है जिन हाथों में पैदा होते ही लिखा गया था पराजय वही पराजय आज किस किस कर जय हो गया है दोस्तों मौत को तो हरा दिया पर वो जाते जाते एक बहुत ही गहरा जख्म छोड़कर चली गई इन मेडिकल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड सेरेबल पॉलिसी अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसका सीधा मतलब ये था कि मैं जिंदगी में अब कभी चल नहीं पाऊंगा छोटे छोटे डेली रूटीन कर नहीं पाऊँगा इन शॉर्ट घर के टूटे हुए फर्नीचर और में कोई फर्क नहीं रहे आज तक जितने भी कार्यक्रमों में मेरे बारे में बातें हुई वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अचीवमेंट्स को लेकर हुई कि इस बच्चे ने 2000 स्टेज परफॉर्म किए इस बच्चे ने कॉमेडी के क्षेत्र में साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते ये बच्चा अपनी कला के माध्यम से पांच आउट ऑफ कंट्री परफॉर्म करके आया लेकिन आज मुझ जैसे लाखों लोग हैं जिनको डिसेबिलिटी के बारे में बताने के लिए ऐसा मंच नहीं मिलता आज टेडेक्स का मुझे ये इतना खूबसूरत मंच मिला है कि मैं बताना चाहता हूँ कि डिसेबिलिटी क्या है ये जो मैंने आपसे बात की क्या ये है मेरा प्रॉब्लम क्या ये है मेरी डिसेबिलिटी नहीं दोस्तों डिसेबल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी खुद की डिसेबिलिटी नहीं है बल्कि डिसेबल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश की इस कंट्री की साइकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंटल और एजुकेशनल डिसेबिलिटी जो मुझ जैसे करोड़ों दिव्यांगों को जस्टिस नहीं दिला पा रहे हैं। तो आज ऐसे हैंडीकैप पर्सन मुझे कहां-कहां दिक्कतें आई और इन सब हालातों को सुधार कर आप सब हमें किस तरह जस्टिस दिला पाओगे उस विषय पर थोड़ी सी बातचीत करो 80 परसेंट मेरी 80 परसेंट डिसेबिलिटी को लेकर जब मैं सात साल का हुआ तब मेरे माता पिता बहुत सारी स्कूलों में मेरा एडमिशन कराने के लिए उन्होंने बड़े प्यार और टेक्निक से बात को ये कहकर टाल दिया कि आपका बच्चा हमारी स्कूल में पढ़ने के काबिल नहीं है इसके लिए अलग स्पेशल स्कूल बनाए गए मेरे माता पिता ने बहुत रिक्वेस्ट की इन व्हाइट कॉलर प्रिंसिपालों से कि मेरे बेटे को कोई मानसिक डिसेबिलिटी नहीं है सिर्फ फिज़िकल डिसेबिलिटी है फिर भी उन्होंने मुझे एडमिशन नहीं दिया आठ साल की उम्र में मैं जब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के ज़रिए टी पर आया और पूरी दुनिया पर छा गया तब वही स्कूल और प्रिंसिपल मेरे घर पे आए और मेरे माता पिता से कहने लगे कि आपका बेटा स्कूल नहीं आएगा तो भी चलेगा आप सिर्फ एडमिशन ले लीजिए जिससे हमारी स्कूल का नाम भी रोशन हो तब मेरे माता पिता ने साफ अक्षरों में उन्हें मना कर दिया और मैं अनपढ़ रह गया दोस्तों, है हमारी एजुकेशनल डिसेबिलिटी। दोस्तों मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं ये तो हुई मेरी बात पर यह आवाज क्यों नहीं कोई उठाता कि क्यों देश का हर दिव्यांग बच्चा नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकता क्यों हमारे देश के 90% परसेंट दिव्यांग अनपढ़ है क्यों देश का हर स्कूल और कॉलेज दिल्ली के अमर ज्योति स्कूल जैसा नहीं हो सकता जहां पर स्पेशल एजुकेटर टीचर है 50% परसेंट दिव्यांग और 50% परसेंट नॉर्मल बच्चे एक साथ पढ़ते हैं पूरी स्कूल में बच्चों के बिलचर के लिए रैम्प यहाँ तक कि दरवाजे भी चौड़े हैं अरे सीढ़ियाँ भी कद के हिसाब से छोटी बनाई गई है और पूरे क्लास में ऐसी टाइल्स लगाई गई है जिसे ब्लाइंड बच्चे भी अपना रास्ता आसानी से पहचान सकते आप खुद ही सोचिए स्कूल के एक इनोवेटिव कदम की वजह से न जाने कितने दिव्यांग बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आ रही है और उन्हें उनकी पढ़ाई का हक भी मिल रहा है अगर इस एजुकेशनल डिसेबिलिटी को हमने दूर कर दिया तो यही होगा सबसे बड़ा जस्टिस फॉर मिलियंस दूसरी सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है डिसेबिलिटी। दोस्तों मालिक ने मुझे बहुत ही खूबसूरत बख्शिश दी है कि मैं लोगों को बहुत अच्छी तरह से हंसा सकता हूँ इसी काम के लिए मैंने पांच अलग अलग विदेश यात्राएं भी की है इसी काम के लिए जब मैं यूके गया तब मुझे याद है एयरपोर्ट के बाहर ही एक ऐसी कार आई जिसमें मैं आसानी से बैठ भी गया और उतर भी गया तीन महीने वहाँ पर रुका वहाँ के बाग बगीचे यहाँ तक कि बस और ट्रेनों में भी मेरी व्हील आसानी से एक्सेस हो सकती थी सिर्फ इतना ही नहीं रेस्टोरेंट थिएटर और स्टेडियम में भी दिव्यांग को, दिव्यांग लोगों के लिए व्हील चेयर क्रचेस और स्टिक आसानी से अवेलेबल थे और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में जहां पर एक नॉर्मल इंसान बड़ी आसानी से जा सकता था वहां पर एक हैंडीकैप भी जा सकता था क्या यह महान फैसिलिटी हमें हमारा भारत देश नहीं दे सकता अरे बस डेपो रेलवे स्टेशन बाग बगीचे तो छोड़ो यहां तक कि सरकारी कचेरी में भी एक दिव्यांग इंसान अपनी व्हील लेकर नहीं जा सकता अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से यह कहो कि तुम्हें दसवें माले पर जाना है मगर सीढ़ी और लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है तो क्या होगा दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम हम दिव्यांग हर रोज फेस करते हैं। तो मैं इस देश की सबसे बड़ी लोकशाही चला रहे इन आर्यभट्ट के वंशजों से पूछना चाहता हूं क्या यह सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हमारी बेसिक नीड नहीं है अगर इस बेसिक नीड को पूरा कर दिया गया तो यही होगा सबसे बड़ा जस्टिस फॉर मिलियन तीसरी सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी दोस्तों मैं अपने शो में हर बार कहता हूं कि इंसान हकीकत में दिव्यांग या विकलांग नहीं होता दिव्यांग तो वो समाज होता है जो इंसान को दिव्यांग कहता है दोस्तों 2007 2007 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत में एक सर्वे हुआ जिसमें यह कहा गया कि इस देश के 50 परसेंट लोग ये मानते हैं कि जिस घर में दिव्यांग बच्चा पैदा होता है उसने पिछले जन्म में जरूर कुछ पाप किए ये बात मेरी समझ के परे तो क्या ये जब भारत पोलियो मुक्त हुआ तो सारे लोगों के पाप क्या गंगा में धुल गए थे अरे बसों में ट्रेनों में जहां पर दिव्यांगों के लिए रिजर्व सीट होती है उसमें से भी आप उठते नहीं सड़क पर कचरा डालते हो थूकते हो तो क्या ये पाप नहीं है अरे लोगों का तो छोड़ो माँ बाप भी ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते पूरी जिंदगी उसे उस बच्चे को और अपने आप को कोसते रहते हैं याद रखिए उसको आपके थोड़े से साइकोलॉजिकल सपोर्ट और प्यार की जरूरत है अगर वो उससे मिल गया तो वही बच्चा द ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स हेलन केलर सुधा चंद्रन और स्टैंड अप कॉमेडियन जय छनियारा बन सकता है दोस्तों सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे अगर इस साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी को हमने दूर कर दिया गया तो बार बार कह रहा हूं यही होगा सबसे बड़ा जस्टिस फॉर मिलियंस आखिरी और सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है गवर्नमेंटल डिसेबिलिटी दोस्तों मुझे यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि सरकार ने दिव्यांगों के लिए आज तक कोई सही आंकड़ा ही नहीं दिया अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में नौ परसेंट लोग डिसेबल है जबकि यूके में बारह परसेंट लोग डिसेबल, और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मेडिकल में इनसे बहुत ज़्यादा पीछे होने के बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ दो परसेंट लोग डिसेबल अगर आप छः परसेंट के हिसाब से भी अंदाज़ा लगाकर देख लो तो पूरे हिंदुस्तान में दस करोड़ से भी ज़्यादा लोग डेबल पर मुझे समझ में नहीं आता सरकार ये आंकड़ा क्यों छुपा रही है अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है जैसे उन्होंने पोलियो में किया मेडिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी दी और दो बुन जिंदगी के जैसा बहुत ही खूबसूरत कैंपेन भी दिया जिससे आज भारत पोलियो मुक्त कंट्री है अगर पोलियो में ये सब कुछ हो सकता है तो बाकी बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ में ये क्यों नहीं हो सकता आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2001 तक पूरी जनगणना में दिव्यांगों को गिना ही नहीं जाता था यहाँ तक कि 10 पंचवर्षीय योजना और ऐसी बहुत सारी योजनाओं में भी दिव्यांगों के बारे में जिक्र ही नहीं किया जाता था अगर मैं मेरी बात करूं तो आर्ट और ऑबिस में आगे बढ़ने वाले तमाम दिव्यांगों के लिए सरकार की तरफ से कोई एप्रिसिएशन ही नहीं अगर सरकार चाहे तो उनके सरकारी मनोरंजक कार्यक्रमों में हम जैसे तमाम दिव्यांगों को शामिल कर सकती है क्योंकि दोस्तों देश का हर दिव्यांग ये चाहता है कि उसे नहीं बल्कि अपने टैलेंट का रिवॉर्ड मिले अगर इस गवर्नमेंटल डिसेबिलिटी को हमने मिटा दिया तो बार बार कह रहा हूं यही होगा सबसे बड़ा जस्टिस फॉर मिलियंस इंक्लूडिंग मी स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है भारत युवाओं का देश है और मुझे यह बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आप सब भी हमारे देश के शाइनिंग युवा स्टार हो देश का फ्यूचर हो कहने का तात्पर्य ये, ये है दोस्तों कि दिव्यांग और नॉर्मल लोगों के बीच जो गैप बढ़ता जा रहा है उसे कम कीजिए यह आपकी तरफ से एक छोटा सा कदम होगा और यही होगा सबसे बड़ा जस्टिस फॉर मिलियंस सफर में मुश्किलियां आए तो गिम्मत और बढ़ती है सफर में मुश्किलियां आए तो हिम्मत और बढ़ती है अगर कोई रोके रास्ता तो जुर्रत और बढ़ती है बिकने का इरादा हो तो घट जाते हैं दाम ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है आप सब यूं ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए भारत माता की जय वंदे मातरम